नमस्कार, रोज की तरह देखेंगे आज की बड़ी खबरें, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। मैं हूं साहिल, यू वेलकम इन 3D मीडिया। खबरों से पहले एक अपडेट, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पीएम मोदी का कल का भाषण देख सकते हैं। पीएम मोदी ने किया मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान। वैक्सीनेशन के उत्पादन का 75% खरीद सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और बचा हुआ 25% खरीद सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। वैक्सीन के बेस प्राइस से 150 रुपए ही फालतू ले सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। अब कोवैक्सीन के लिए मैक्सिमम 1350 रुपए और कोविशील्ड के लिए 750 रुपए ही लिए जाएंगे। केंद्र सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। अमित शाह बोले सभी को मिलेगा मुफ्त राशन और जेपी नड्डा बोले सभी को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। प्रधानमंत्री के ऐलान पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा अगर वैक्सीन फ्री है तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेंगे पैसे। कोवैक्सीन लेने वालों के लिए सितंबर तक विदेश जाने का रास्ता खुल सकता है। राजस्थान में 100 करोड़ का राशन घोटाला, गरीबों का राशन खा रहे हैं सरकारी बाबू। हम भी वैक्सीन लगवाएंगे, कोविड-19 वैक्सीनेशन पर अखिलेश यादव का यू टर्न। मराठा आरक्षण पर पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम उद्धव ठाकरे, चक्रवात से हुए नुकसान की भी देंगे जानकारी। सीएम केजरीवाल के कल के भाषण में दिए गए दिल्ली कोरोना अपडेट को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। अप्रैल और मई के महीने में भारत को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है अभी तक के मेडिकल हिस्ट्री में इतनी ऑक्सीजन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। 1 जून से रोज बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, बढ़ते हुए दामों से जनता परेशान। टुडे इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इस दिन को पहली बार जर्मनी के जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने आयोजित किया था। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन बंद करके ये देखा गया कि कितने मरीज मरने वाले हैं। अस्पताल के मालिक का ये वीडियो वायरल। यूएई में टेम्परेचर 51 डिग्री पार पहुंचा। पुलिस की चेतावनी है कि अगर गाड़ी में बच्चों को अकेला छोड़ा तो पेरेंट्स को 10 साल की सजा और 2 करोड़ का जुर्माना। अमेरिका में एसयूवी बड़ी गाड़ियों की हेडलाइट्स तेज होने की बड़ी समस्या। भारत में भी रात को 33% दुर्घटनाएं इसी वजह से होती है। उत्तर कोरिया का नया फरमान, अगर विदेशी फिल्में देखी या फटी हुई जींस पहनी तो मिलेगी मौत। फीफा क्वालिफायर, भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया। सुनील छेत्री इंटरनेशनल मैचों में गोल करने के मामले में मैसी से आगे निकले। इंडिया और श्रीलंका की सीरीज हुई शेड्यूल, जुलाई में 3 T20 और 3 वनडे की सीरीज खेली जाएगी। 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला IQ007Z3 मोबाइल आज होगा इंडिया में लॉन्च। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी का जो हाल OTT पर साल 2020 में हुआ था उसे लेकर OTT वाले आज भी उनकी कई फिल्मों को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बुलेटिन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी खबरें आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। साहिल दिस साइड, टेक केयर, गुड बाय।